हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबीना एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड मेरा आज का टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट अस, इट्स ऑल अबाउट वुमेन एंड मेकअप। मेकअप हम सबको करना पसंद होता है। बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे ही मेकअप की जो हर किसी के बैग में होना चाहिए। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है हेयर सीरम, जो हम हर किसी के बैग में होना ही चाहिए। हेयर सीरम बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसे जब भी हम अपने फ्रिजी हेयर्स पे लगाते हैं, ये हमारे हेयर्स को एकदम से स्मूथ और शाइनी कर देता है। तो हमें हर किसी के बैग में एक हेयर सीरम होना ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बॉटल अपने साथ कैरी करें, आप किसी भी छोटी सी स्प्रे बॉटल में इसको डाल सकते हैं और अपने साथ रख सकते हैं। हेयर आई एम शोइंग यू पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर, आप कोई भी अपने पसंद का मॉइस्चराइजर रख सकते हैं। ये मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, प्लस ये सुपर लाइट जेल है। आप इसको अपने फेस पर जब भी अप्लाई करेंगे आपको अपना फेस हैवी नहीं लगेगा, प्लस ये नॉन स्टिकी है इसका फॉर्मूला, तो आपकी स्किन के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। स्किन काफ़ी चिपचिपी नहीं लगती, ऑयली नहीं लगती। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है तो इस वजह से आपकी स्किन काफ़ी प्लम रहती है और फ्रेश रहती है। तो आप ये मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर अपने बैग में रख सकते हैं। मेकअप जो हम हर किसी के बैग में होना चाहिए वो है क्रीम। मैं इधर बीबी क्रीम दिखा रही हूँ, आप इसके लिए का फाउंडेशन भी रख सकते हैं। बट फाउंडेशन आपको एक बहुत ज़्यादा पूरा बेस देता है, बट बीबी क्रीम आपको काफ़ी लाइट बेस देगी फेस पे, जो कि देखने में काफ़ी लाइट लगता है और ये इतना हैवी नहीं होता फेस के लिए। फाउंडेशन वगैरह, हाँ फाउंडेशन अच्छा है क्योंकि हम यूज़ करते हैं तो पार्टीज़ वगैरह के लिए अच्छा है। बट कभी कभार हम बहुत लाइट मेकअप करते हैं तो उसके लिए आप बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बीबी क्रीम एंड फाउंडेशन के अलावा आप अपने फेस पर अप्लाई करने के लिए कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, और कंसीलर का फॉर्मूला भी बहुत लाइट होता है। अगर आप उसको बिना फाउंडेशन के लगाते हैं तो आपके फेस पे वो काफ़ी लाइट दिखता है, प्लस वो लाइट मेकअप ही लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। तो आप अपने बैग में एक कंसीलर रख सकते हैं, क्योंकि वो आपको क्विक रेडी करता है। आप जैसे ही कंसीलर को अप्लाई करते हैं वो आपके फेस के स्पॉट्स को तो हाइड करता ही है, प्लस आपको एक अच्छा मेकअप का लुक भी देता है। तो मेरे हिसाब से एक थर्ड चीज़ अपने बैग में कंसीलर, बीबी क्रीम, ऐसा ज़रूर कुछ होना चाहिए। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेकअप, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आपका मेकअप फुलफिल हो ही नहीं सकता, वो है आपके आईब्रोज। आपके आईब्रोज को आप किस तरीके से फिल करते हैं उसका असर आपके मेकअप पे पूरा दिखाई देता है। तो आप अपने बैग में कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपको पसंद है ब्रोज किट, आजकल बहुत आईब्रोज किट आप आजकल बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, तो आप ब्रोज किट रख सकते हैं, या आप इस तरीके की एक पेंसिल रख सकते हैं। हेयर आई हैव अ पेंसिल विच इज़ फ्रॉम मेबेलिन ब्रांड, और इसमें एक स्टिक है इस तरीके से, आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से स्टिक है जिससे आप अपने ब्रोज को फिल करते हैं। और इसमें एक यहाँ पर एक पीछे ऐसा एक ब्रश दिया गया है जिससे आप अच्छी तरीके से अपनी ब्रोज को फिल कर सकते हैं इसे अप्लाई करके, आप देख सकते हैं। आप इस तरीके की स्टिक को भी अपने बैग में रख सकते हैं, अच्छी तरीके से आपके आईब्रोज को फिल कर देती है। तो एक आईब्रोज आप किट रख सकते हैं या पेंसिल अपने बैग में ज़रूर रखिए, क्योंकि उससे लगाते ही आपका फेस एकदम डिफरेंट लुक देता है। तो आईब्रोज फिल करना मेकअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए एक ब्रोज किट या आईब्रो पेंसिल आपके पास आपके बैग में ज़रूर होनी चाहिए। अनदर थिंग जो कि हमारे बैग में होना बहुत ज़रूरी है वो है एक कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर का होना हमारे बैग में जरूर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्चुअल में हमारे मेकअप को सेट करता है। तो चाहे आप अपने फेस पे बीबी क्रीम लगाएं, कंसीलर लगाएं या फाउंडेशन लगाएं, उसको लास्ट में सेट करने के लिए हमें पाउडर की हेल्प होती ही है। तो इस तरीके का कॉम्पैक्ट हमारे पास होना चाहिए, ताकि जैसे ही आप उसे अप्लाई करें तो इसको अप्लाई करने के बाद आपका मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा। तो कॉम्पैक्ट को अपने पास रखना ही चाहिए, प्लस ये आपके कुछ एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है आप वहाँ भी इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके उस एरिया को अच्छी तरीके से ड्राई रखेगा। कॉम्पैक्ट पाउडर का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, तो इसे भी अपने बैग में जरूर रखें, ताकि आप जब भी कोई क्रीम अप्लाई करें तो उसके बाद जैसे ही आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे तो ये आपके फेस को ड्राई रखेगा और स्वेट फ्री रखेगा। बहुत ही ज़रूरी चीज़ और हर लड़की का फेवरेट, जो कि है काजल, जो सबको लगाना अच्छा लगता है। काजल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि हमारे बैग में होना चाहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ शुगर का काजल, आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मूथली आपके आईज़ के ऊपर रन करता है। आप यहाँ पे इनफैक्ट इसका टेक्स्चर भी देख सकते हैं, मैंने इसको पूरी तरीके से दबाया भी नहीं, ये देखिए
इट्स रन सो स्मूथ, ये बहुत अच्छा चलता है। और इस तरह के काजल आपके लिए कई तरह के काम करते हैं, आप इसको एज अ काजल यूज़ कर सकते हैं, एज अ लाइनर यूज़ कर सकते हैं, और कभी कभार आप इसको एज अ बिंदी भी लगा सकते हैं। तो एक काजल आपके बैग में होना ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि काजल लगाना ही पसंद हो, किसी किसी को लाइनर लगाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके के काजल आपके वो सभी काम करते हैं और आपको लाइनर रखने की बैग में ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मस्ट है प्रोडक्ट है जो हम सबके पास होना ही चाहिए वो है मस्कारा, और हम सबके बैग में एक मस्कारा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक मस्कारा लगाने से आपके ओवरऑल मेकअप का पूरा लुक चेंज हो जाता है। और अगर आप मस्कारा अपने आईज पे लगाते हैं तो ये आपके लैशेस को इन्हेंस करता है, प्लस आपकी आईज बिग दिखाई देती है, जिसके वजह से आपका ओवरऑल लुक बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। तो हम सबके पास एक मस्कारा होना ही चाहिए, क्योंकि एक क्विक रेडी मेकअप में भी अगर आप मस्कारा अप्लाई नहीं करेंगे तो सब आपकी आईज कभी कभार काफ़ी थकी हुई और छोटी दिखाई देती है। तो मस्कारा अप्लाई करते ही आप ये खुद से फील करेंगे कि आपकी आईज पहले से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है, जो कि एक मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। थिंग या मेकअप विच इज़ माई फेवरेट, जो कि है लिपस्टिक। आपके बैग में ऐसी एक लिपस्टिक ज़रूर होनी चाहिए, वैसे आपको हमेशा अपने बैग में एक या दो लिपस्टिक रखनी ही चाहिए, बट कुछ ऐसी लिपस्टिक ज़रूर होनी चाहिए जो लिप कलर के साथ साथ टिंट का काम भी करे। तो इससे आपको अपने साथ किसी भी तरीके का ब्लशर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई भी कभार होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेकअप अपने साथ नहीं ले जाना पसंद करते, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की लिपस्टिक्स होनी चाहिए जो कि सिर्फ एक लिपस्टिक का काम ना करे, एक टिंट का काम भी करे। तो मेरे पास यहाँ पर है लैक्मे की 9 to 5 लिपस्टिक, और ये बहुत ही अच्छा शेड है, आप देख सकते हैं, एक पीच कलर का शेड है लाइक दिस, और ये इतना ब्यूटीफुल शेड है कि इसको आप अप्लाई करते ही आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है, प्लस ये एक लिपस्टिक के साथ साथ एक टिंट का काम भी करती है। तो आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ लिप कलर और फिर उसके बाद एज अ टिंट यूज़ कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको अपने साथ ब्लशर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ही अपने साथ रखें, ये दो एक के साथ मतलब दो दो काम करेगी। मैं आप अपने साथ कोई भी 2 या 3 कलर के शेड्स रख सकते हैं, आजकल न्यूड शेड बहुत ही ट्रेंड में है, उसमें आप पिंक कलर का एक शेड अपने साथ रख सकते हैं। पिंक कलर का शेड एक ऐसा शेड होता है जो कि ना कि बहुत ज़्यादा लाउड दिखता है, ना ही बहुत ज़्यादा लाइट दिखता है, प्लस आप जब भी पिंक कलर का शेड लगाएंगे तो बहुत ही एक नेचुरल लुक देता है आपके फेस को। तो आप कोई भी इस तरीके का पिंक शेड रख सकते हैं, इस तरीके का, जो कि आपके मेकअप को बहुत ही नेचुरल दिखाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि मेकअप के टाइम ही अप्लाई किया जाए, इस तरीके के जो लिप शेड होते हैं वो आप नॉर्मली भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके लिप्स हमेशा पिंक और रोजी दिखाई देते हैं। तो इस पिंक कलर के शेड के साथ ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग ही लगा सकते हैं, क्योंकि जो टीनेज गर्ल्स होती हैं वो भी इस तरीके के लिप शेड लगा सकती हैं। क्योंकि जो नेक्स्ट शेड है वो भी हम सबके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आज के आप सबको पता है कि न्यूड शेड जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, प्लस ये बहुत ही आप ब्यूटीफुल लगता है आपके लिप्स में, ना बहुत ज़्यादा डार्क लगता है ना लाइट लगता है, आप देख सकते हैं इस तरीके का न्यूड शेड, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। अभी इस वीडियो में मैंने भी इसी लिप शेड को अप्लाई किया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, इससे आपका बहुत ज़्यादा मेकअप ब्राइट नहीं लगता, काफ़ी सेटल लुक दिखता है। और न्यूड लिपस्टिक वैसे ही आप सबको पता है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इस तरीके की लिपस्टिक हम सबके बैग में ज़रूर होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास हमारे बैग में होना ही चाहिए वो है रोज़ वाटर। आप अपने पास रोज़ वाटर ज़रूर रखें, आप बड़ी बॉटल हम कोई भी कैरी करना ना पसंद करते हैं, ना बैग में इतना स्पेस होता है, तो आप इस तरीके से कोई भी एक छोटी सी हैंडी बॉटल बना सकते हैं, स्प्रे बॉटल, जिसपे आप रोज़ वाटर डाल के रखें। रोज़ वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, प्लस आप कोई भी ग्लो रोज़ वाटर अपने पास रख सकते हैं, गुड वाइब्स का ग्लो रोज़ वाटर बहुत अच्छा है, आप उसको आफ्टर मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको अप्लाई करते ही आप फील करेंगे कि आपके मेकअप में एक बहुत अच्छा सा ड्यूई लुक आ रहा है, और यूज़ करने के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप इस तरीके से हैंडी बॉटल में जब भी रोज़ वाटर रखेंगे, आपको कभी भी ज़रूरत होगी, आपको अपनी स्किन कभी डल लग रही है या आपको लग रहा है कि आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं है, तो आप
रोज वाटर को अपने स्किन पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरीके से रोज वाटर को अपने साथ रखने से आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके की छोटी बॉटल यूज करना ईजी भी होता है, हैंडी भी होता है, तो आप इस तरीके की बॉटल अपने साथ ज़रूर रखिए। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट स्प्रे लाइक दिस, और आप ऐसे फील करेंगे कि किस तरीके से आपका फेस एकदम हाइड्रेट हो गया है। आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा, प्लस रोज़ वाटर में से एक बहुत अच्छी स्मेल आती है जो कि आपके मूड को हमेशा रिफ्रेश रखेगी। तो स्किन के साथ साथ आपका माइंड भी रिफ्रेश रहेगा, तो रोज़ वाटर अपने बैग में ज़रूर रखिए। एंड अनदर थिंग जो कि नहीं है हमारे मेकअप का पार्ट बट स्टिल हमारे बैग में होना बहुत ज़रूरी है, मैं इसको पर्सनली रखती हूँ और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और बैग में रखनी चाहिए, वो है इस तरीके के बॉक्स। आप कोई भी आपके घर में कोई छोटा सा बॉक्स हो और रख सकते हैं। इस तरीके के बॉक्स रखने के ये बेनिफिट्स होते हैं कि आप कभी हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैरी करते हैं, गोल्ड भी कैरी करते हैं, और हमको कंफर्टेबल फील नहीं होता और हम उतार के उसको बस बैग में डाल देते हैं और नेक्स्ट टाइम वो हमें मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक बॉक्स रखना भी बहुत अच्छा आइडिया है अपने बैग को अच्छे तरीके से मैनेजेबल वे में रखने का, तो आप भी इस तरीके के बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करती हूँ तो इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। आई होप मैंने जो कुछ भी आपको बताया हो आपके लिए यूजफुल हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।